नमो वैजायानं नमो लोए सव साहुनं एसो पंच नमोकारो सव्वे पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़ मंगावई मंगलम मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़ मंगावई मंगलम अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठी का मुनिवरा कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम बोलिए शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी की चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध लिया श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला मोह माया में फंसी हुई मैं अब आजाद हुआ शरीर
चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यारे ही प्यारे मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यारे ही प्यारे मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी कर के, जीना मरना सीखा भगवन जग में जी कर के, जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुमसे, तू ही है अब मांझी मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यारे ही प्यारे मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यारे ही प्यारे मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान प्यारे ही प्यारे मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यारे ही प्यारे मिला, प्यारे ही प्यारे मिला। त्रिशिलानन्दनम् प्रभु परमेश्वरम्, त्रिशिलानन्दनम् प्रभु परमेश्वरम्, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणम्, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणम्। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की
मंगलमय कल्याणकारी वीर स्तुति को। एक ऐसी स्तुति जो आत्मा में तो आनंद पैदा करती ही है, उसके साथ साथ इस आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ने में हमारी सहायता भी करती है। जब जब इस स्तुति को पढ़ते हैं, जब जब इस स्तुति को सुनते हैं बंधुओं, तब तब हमारे अंतर में भगवान महावीर के प्रति, उनके शासन के प्रति, उनके वचनों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। और यही श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमारे को केवल ज्ञान तक लेकर जाने वाला है। आपने सुना प्रथम और द्वितीय पद में, गाथा में, कि आर्य जम्बू स्वामी ने अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया। सुधर्मा स्वामी खो गए भगवान महावीर के ख्यालों में, जैसे कोई याद दिला दे। आज उनको वो सारी स्मृतियां आ रही है। पूछा भी क्या, भगवान महावीर कैसे थे? बंधुओं, भगवान तो अनंत है, अनंत को कैसे सुनाया जा सकता है? सुधर्मा स्वामी जी भी यही सोच रहे होंगे, क्या बताऊं, उनके विषय में कुछ भी कहता हूं तो थोड़ा पड़ जाता है, किसी चीज को बताने के लिए उपमा देनी पड़ती है कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो इसके समान था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उपमित नहीं किया जा सकता। तीर्थंकर भगवान का अतिशय इतना होता है कि उनके किसी भी अतिशय को उपमाओं में नहीं बांधा जा सकता, तुलनाओं में नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी यदि पूछा है तो बताना तो पड़ेगा ही किस रूप में उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के गुणों को उपमाओं में बांधा, किन किन चीजों से उपमा दी, किस तरह से उन्होंने भगवान महावीर को, उनके गुणों को संसार के सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं से उपमित करके प्रस्तुत किया। संसार में जिसके समान कोई श्रेष्ठ ना हो, ऐसी वस्तुएं ढूंढ ढूंढ कर लाए सुधर्मा स्वामी उपमा देने के लिए। और अब वो बता रहे हैं, खेयन से कुसले महेशी अनंत नाणी या अनंत दंसी जसं सिणो चखु पहे ठियस जाना ही धम्मं च धीं च तेही। उन्होंने आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहना प्रारंभ किया, जम्बू, तुम भगवान महावीर के विषय में सुनना चाहते हो? तीर्थंकर महावीर खेयन नए से कुशले महेशी, खेदज्ञ थे, कुशल महर्षि थे, अनंत नानीय अनंत दंसी, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से संपन्न थे। जसं सिणो चक्षु पहे ठियस, वे उत्कृष्ट, यशस्वी और जगत के नयन पथ में स्थित थे। जाना ही धम्मं च धीं च पेहि, उनके धर्म और धैर्य को तुम सुनो। अब गुरु ने सुनाना शुरू कर दिया। मैं आप सभी उपस्थित श्रोतागण से कहना चाहती हूँ, आप भूल जाना आप हैपोवाल में बैठे हैं, आप भूल जाना आप किसी साध्वी के पास बैठे हैं, आप भूल जाना आप यहाँ प्रवचन सभा में एक घंटे के लिए बैठे हैं। बस थोड़ी देर के लिए अपने सामने आचार्य सुधर्मा स्वामी को लेकर बैठना। जितनी देर प्रवचन सभा में बैठो,
ऐसा प्रतीत करना कि आप अचानक सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से स्वयं सुन रहे हैं किसके बारे में, उस महामना उस महा परम पिता भगवान महावीर के बारे में। देखना बंधुओं, भगवान महावीर आपकी कल्पनाओं में स्वयं उतर जाएंगे, उनका अतिशय, उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका हर गुण आपकी आत्मा में उतर जाएगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा भगवान मेरे सामने स्वयं है। ये प्रतीति आपको करनी है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। ये कल्पना आपको करनी है, भगवान को स्वयं अपने सामने लेकर आना है। जब महावीर आपकी आंखों में बस गए ना, कि संसार की कोई भी वस्तु देखने की इच्छा नहीं हो, किसी और को पाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जिसने महावीर को पा लिया, जिसने महावीर को देख लिया, उसने फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि अब बस मुझे कुछ नहीं देखना। ऐसे हैं भगवान महावीर। उनका पहला गुण उन्होंने बताया, तीर्थंकर महावीर खेदज्ञ थे। अब एक एक गुणों की चर्चा करेंगे बंधुओं। खेदज्ञ का अर्थ है समस्त जगत के प्राणियों के दुखों को जानने वाला। देखो पहला गुण उन्होंने क्या बताया, इंसान की विशेषता क्या होती है, वो कितना अमीर है, कितना पैसे वाला है, कितने बड़े घराने का है, ये उसकी विशेषता नहीं, ये उसके गुण नहीं है, ये उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान होती है उसके अंदर के गुणों से। और उसके गुण क्या होते हैं, करुणा, दया, विनय, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, ये उसके गुण होते हैं। सब कुछ गुण हो लेकिन अंदर भीतर में करुणा ना हो तो फिर वो भी ना के बराबर, खत्म के बराबर है। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा गुण जो एक इंसान में होना चाहिए, सबसे पहले उस गुण को लिया कि भगवान महावीर संसार के समस्त जगत के प्राणियों के दुखों को जानने वाले थे। लोक को तो जानने वाले थे ही थे, जगत के दुखों को भी जानने वाले थे। ये सबसे बड़ी विशेषता थी। दूसरी बात और मैं आपको बताऊं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक तो होता है जानना, आपको पता है पड़ोसी बीमार है, आपको पता है पड़ोसी दुखी है, आपको पता है पड़ोसी परेशान है, उसने खाना नहीं खाया, उसके घर में चूल्हा नहीं जला क्योंकि उसके घर में पैसों का अभाव है। जान लिया, कुछ किया? हाँ जी बहनों, कुछ किया? हाँ जी भाइयों, कुछ नहीं किया, मुंह ढका सो गए। हमें क्या लेना देना, दुनिया फिरती है ऐसे, दुनिया है गरीब, दुनिया भूखी सोती है, किस किस को खाना खिलाएंगे, किस किस को कपड़े पहनाएंगे, ये आजकल के इंसान की सोच है। लेकिन ये सोच भगवान महावीर की नहीं थी। उन्होंने सिर्फ जाना ही नहीं, उन्होंने उन दुखों को जानकर उसे दूर करने का भी संकल्प किया। यहां ये बताना चाहते हैं, एक तो जान लिया, देख लिया संसार दुखी है, और एक ये जाना देखा कि संसार बहुत दुखी है, मैं इनके दुखों को दूर करूं। बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग आता है भगवान महावीर स्वामी के जीवन का, और ये प्रसंग उस समय का है बंधुओं जब भगवान महावीर का जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब उन्होंने सबसे पहला कष्ट, सबसे पहला दुख जाना था किसका, अपनी माता का। जब वो गर्भ में थे, तीन ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर, तो गर्भ में ही उन्होंने जान लिया, जब मैं हिलता हूँ, जब मैं चलता हूँ, जब मेरे शरीर के द्वारा कोई भी हलन चलन की प्रक्रिया होती है तो मेरी माँ को कष्ट होता है। अब जानता तो हर बच्चा है, जिसका उपयोग लग जाए सभी, कोई ना कोई बच्चा तो जान ही लेता होगा अगर जिसका अब भी ज्ञान लग जाए। बंधुओं जानता तो है लेकिन जानने के बाद करता क्या है। जाना तो और तीर्थंकर भगवंतों ने भी होगा, लेकिन औरों के लिए विषय नहीं आया। ऐसा नहीं कि उनमें करुणा नहीं थी,
लेकिन भगवान महावीर स्वामी, मैंने कल आपको बताया, सबसे अलग थे। उन्होंने देखा अवधि ज्ञान से, जब मेरी माता उठती है, चलती है, बैठती है, उन्हें मेरे द्वारा कष्ट होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे। देखो उनकी सरलता, उनकी करुणा देखो आप, उनकी दया देखो। जो बच्चा गर्भ में भी किसी को कष्ट ना देने की बात कर रहा हो, गर्भ के बाद, जन्म लेने के बाद वो बालक क्या करेगा, आप कल्पना करके देखो। क्यों ना मैं स्थिर हो जाऊं, ना मैं हिलूंगा, ना मैं डुलूंगा, ना मैं चलूंगा, मेरी माता को कष्ट नहीं होगा। बुरा तो नहीं सोचा था, अपनी माँ के लिए कितनी ममता थी उनके मन, सिर्फ एक माता के लिए नहीं थी, बस कष्ट ना हो मेरे द्वारा किसी को। और बंधुओं, तीर्थंकर महावीर ने ऐसा ही किया। वो एक कोने में अपने आप को संकुचित करके बैठ गए, ना हिले, ना डुले, और ना ही कोई कष्ट उन्हें पहुंचा रहे थे। और उस समय क्या हुआ, तीन ज्ञान के धारी भगवान देखे ध्यान लगा के, उपाय करूं मैं कुछ ऐसा कि कष्ट ना हो कोई माँ के। तीन ज्ञान के धारी भगवान देखे ध्यान लगा के, उपाय करूं मैं कुछ ऐसा जो कष्ट ना हो कोई माँ के। विनय भाव से माँ ममता को सुख पहुँचाते हैं, वो सुख पहुँचाते हैं। वीर प्रभु के जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे सभी बोलेंगे महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। अवधि ज्ञानी महाप्रभु ने ये उपयोग तो लगाया कि मेरी माँ को कष्ट ना हो, लेकिन उन्हें तो ये उपयोग लगा ही नहीं कि मेरी माँ को किससे कष्ट होगा, किस चीज से नहीं कष्ट होगा। बस वो यही देख रहे थे, मेरे हिलने चलने से माँ को कष्ट होता है, स्थिर होकर बैठ गए। लेकिन फिर क्या घटना घटित हुई, माता त्रिशला परेशान हो गई। जब भी उठती, जब भी बैठती, जब भी चलती, जब भी सोने की प्रक्रिया करती, कोशिश करती, उसको शिशु हिलता हुआ, डुलता हुआ, चलता हुआ प्रतीत नहीं होता, अनुभव नहीं होता, और माता को इस बात की चिंता हो गई। माता चिंता चिंता में आर्त ध्यान करने लगी, रोने लगी, हाय मेरे बच्चे का किसी ने हरण कर लिया, हाय मेरे बच्चे को कुछ हो गया, पता नहीं मेरा गर्भ गिर गया, क्या हो गया, नष्ट हो गया, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। सोच सोच कर वो माता ने खाना पीना छोड़ दिया, उसकी नींद खत्म हो गई, और उन्होंने उनकी खुशियां खत्म हो गई, सारा ऐसा वातावरण हो गया। माता ना कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं, ना कुछ श्रेष्ठ पहनती हैं, किसी चीज में मन नहीं लग रहा। तीन चार दिन ये होता रहा। राजा सिद्धार्थ हैरान, वो त्रिशला महारानी को देख रहे थे, महारानी मैं तीन चार दिन से देख रहा हूँ तुम बड़ी परेशान हो, आज से पहले तो बड़ी हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारा खाने में मन नहीं लग रहा, कुछ चीज पीने को मन नहीं कर रहा, पहनने को मन नहीं कर रहा, कुछ नया चाहिए तो वो बताओ, वो मंगवा दो, तुम परेशान हो रही।
माता त्रिशला रो पड़ी, स्वामी क्या बताओ, ऐसा प्रतीत होता है मेरा गर्भ ना हिल रहा ना चल रहा, वो हिलन चलन बंद हो गया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे गर्भ का किसी ने हरण तो नहीं कर लिया, मेरा गर्भ गिर तो नहीं गया, मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं हो गया। स्वामी मुझे बहुत चिंता हो रही है, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। जैसे ही राजा सिद्धार्थ ने ये बात सुनी, सुनते ही हैरान हो गए। जिस बच्चे के लिए इतनी इतनी कल्पनाएं की थी, इतने सपने संजोए थे, ज्योतिषियों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, महारानी त्रिशला जिस बच्चे को जन्म देगी वो इस तीनों लोकों में उनके समान कोई नहीं होगा, तीनों लोकों में वंदनीय होंगे, पूजनीय होंगे, परम विजेता होंगे, संसार को जीतने वाले होंगे। राजा सिद्धार्थ, एक आपका परिवार ऐसा है जो ऐसे बच्चे को जन्म देने वाला। सारी खुशियों पर पानी फिर गया। राजा भी चिंता में आ गए, महारानी क्या तुम सच कह रही हो, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है? हाँ महाराज, 3-4 दिन हो गए मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इसी चिंता में बंधुओं धीरे धीरे ये बात राजमहलों से बाहर गई। देखो उस बच्चे का प्रभाव, जैसे ही राजमहलों से बात बाहर गई, गलियों में गई, पूरे कुंडलपुर नगर में फैल गई। और इस बात का क्या प्रभाव हुआ, जैसी ये बात फैली लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी, व्यापार बंद कर दिए, बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, पूरे नगर में जहाँ कहीं नाटक हो रहे थे, नृत्य हो रहे थे, राजमहलों में जो नृत्य हो रहे थे वो नृत्य बंद हो गए। हवाओं ने चलना बंद कर दिया, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि पशुओं ने खाना बंद कर दिया। ये क्या हुआ, इस तीन लोक के ज्ञाता, तीन लोक को तारने वाले, क्या हो गया ये? प्रकृति बदल गई, ऐसी बदली, पूरा नगर शोकाकुल हो गया। लोग अपने घरों में दीपक नहीं जलाते थे, ये क्या हो गया? कितनी खुशियां थी, ये सारी खुशियों को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई? बंधुओं जब ये वातावरण हुआ, सारा नगर शांत हो गया, लोग खाना नहीं खा रहे थे, राजमहलों में दीपक नहीं जल रहे थे, नृत्य गान नहीं हो रहा था, तब उस तीर्थंकर ने, उस गर्भस्थ शिशु ने दोबारा अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, उपयोग लगाया और क्या देखा, अब तो मेरी माता सुखी हो गई होगी, अब तो मेरी माता को कोई कष्ट नहीं होगा, अब तो मेरी माता प्रसन्न होगी क्योंकि मैंने उनको प्रसन्नता पहुंचाने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या देखा, ये तो सारा ही मामला बिगड़ गया, ये तो सारा ही नजारा बदल गया, पूरा नगर शोकाकुल हो गया, माता का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, पिता कितने चिंतित हो रहे हैं, 3 दिन से राजसभा में नहीं गए, 3 दिन से महलों के दीपक नहीं जले, 3 दिन से दास दासियों ने किसी ने भी खाना नहीं खाया, बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया, ये क्या हो गया? बंधुओं फिर क्या था, उस महाप्रभु ने फिर लीला दिखाई। लीला दिखाते ही जैसी पता लगा, हिलना डुलना शुरू कर दिया। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। ये प्रताप था। आपने बहुत बहुत महापुरुषों के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने गर्भ में अपनी माता को सुख पहुंचाने वाले ये पहले तीर्थंकर हुए, ये पहला शिशु हुआ जिसने गर्भ में ही अपनी माता को सुख पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन अब जब हिलना डुलना प्रारंभ किया, त्रिशला आराम कर रही थी, जैसी उसके गर्भ में हिलन चलन की प्रक्रिया शुरू हुई, त्रिशला माता प्रसन्न मन से कूद पड़ी, स्वामी मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे शिशु का, मेरे गर्भ का हरण नहीं हुआ है, वो नष्ट नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है, मेरे गर्भ में हिलन चलन की प्रक्रिया शुरू हो गई।
जैसे ही राजा सिद्धार्थ ने ये बात सुनी, सुनते ही पूरे नगर में खुशियां ही खुशियां मनाई गई। सभी नृत्य करने लगे, नाच गान शुरू हो गए, बच्चों ने खेलना प्रारंभ कर दिया, लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली, यहाँ तक कि पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, हवाओं ने चलना शुरू कर दिया। ये है तीर्थंकर महाप्रभु की लीला। उस समय भगवान महावीर, वो तीर्थंकर गर्भ में क्या सोच रहे हैं, जब मेरी माता इतनी सी बात से इतनी परेशान हो सकती है, मेरे इतने से निर्णय से पूरा नगर उदास हो सकता है, कल को जब मैं युवा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरा दीक्षा लेने का समय आएगा और मैं अपनी माता पिता से कहूंगा मुझे दीक्षा की आज्ञा चाहिए, क्या होगा? मेरी माता तो रो रो कर बुरा हाल कर देगी। मेरी माता का क्या होगा उस समय, पिता का क्या होगा, इन नगर निवासियों का क्या हाल होगा, जिन हवाओं ने अभी चलना बंद कर दिया, उस प्रकृति का क्या हाल होगा? बंधुओं, गर्भ में ही प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं अपनी माँ को कष्ट नहीं देना चाहता, अपने पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। जो जिसकी ममता मैंने अभी देख ली, कल को उसकी ममता जब मेरा जन्म हो जाएगा, जब मैं उनके सामने होऊंगा और जब मैं बड़ा होकर दीक्षा की आज्ञा मांगूंगा, वो इस बात को झेल नहीं पाएगी। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। देखो ये करुणा है उनकी। क्या कहा? खेदज्ञ अर्थात समस्त जगत प्राणियों के दुखों को जानने वाले। गर्भ में ही जिन्होंने लोगों के प्राणियों के दुखों को जानना शुरू कर दिया था। बंधुओं, तीर्थंकर भगवान का यही तो अतिशय है, यही तो महिमा है। वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, दूसरों के दुख को देखकर वो अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं, अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी किसी को दुखी नहीं करते। इतिहास में मैं लेकर चलती हूं आपको 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी के पास। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भगवान अरिष्टनेमी के जीवन का। अरिष्टनेमी भगवान जब अपने गृहस्थ अवस्था में थे, श्री कृष्ण महाराज के छोटे भाई थे, उस समय ये अरिष्टनेमी जब गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब श्री कृष्ण को इनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने कई बार विवाह का विचार भी इनके सामने प्रस्तुत किया पर इन्होंने मना कर दिया। इनके माता पिता भी चाहते थे कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए पर ये मना कर देते थे। उस समय इनके पिता ने, समुद्र विजय और शिवा देवी ने, श्री कृष्ण वासुदेव से कहा, वासुदेव तुम इतने बड़े बड़े काम कर देते हो, अपनी राजनीति से अपने बुद्धिमता से इतने बड़े बड़े काम कर देते हो, तो क्या एक मेरे पुत्र का विवाह नहीं करवा सकते? उस समय वासुदेव कहने लगे, इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं अरिष्टनेमी को विवाह के लिए तैयार करूंगा। उन्होंने किसी ना किसी तरह से अरिष्टनेमी को विवाह के लिए तैयार कर लिया, एक ऐसा जाल बिछाया कि अरिष्टनेमी को विवाह के लिए तैयार होना पड़ा। विवाह के लिए तैयार हो गए और तैयार हुए किसी दूर देश के राजा की पुत्री राजुलमती से उनके विवाह का रिश्ता पक्का हो गया, विवाह के लिए तैयारियां शुरू हो गई और इस तरह से विवाह की तैयारियां हो रही है और भगवान अरिष्टनेमी की बारात जाने को तैयार हुई। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं अरिष्टनेमी का ऐसा विवाह करूंगा दुनिया उस विवाह को याद रखेगी, आज तक ऐसा विवाह ना किसी का हुआ हो। और श्री कृष्ण ने पूरे संसार भर से अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया था। शास्त्रकार कथाकार तो यहाँ तक कह देते हैं
56 करोड़ बराती आए थे। आजकल 56 बराती नहीं जाते, कल्पना कर सकते आप 56 करोड़ बरातियों की। ये तो सिर्फ श्री कृष्ण जी के पक्ष के थे, अभी तो लड़की वालों के हमने गिने ही नहीं। इतनी बड़ी बारात, जब विवाह का मुहूर्त निकलने लगा, पंडित ने कहा, चतुर्मास के दिन चल रहे थे, कहने लगा जी सावन का महीना चल रहा है और इन दिनों में कोई भी विवाह श्रेष्ठ नहीं होता। देखो मैं आपको भी ये बात बता रही हूँ, आपकी जानकारी। आजकल लोगों को लगता है विवाह करना है कुछ नहीं, पंडित की जेब में पैसा डाला और मुहूर्त निकाल दे बस। तो मुहूर्त पैसों से नहीं निकलता बंधुओं, जब योग ही नहीं है। लेकिन आजकल जो बिना मुहूर्त की शादियां हो रही है ना, उसका नतीजा क्या, उसका परिणाम क्या है? पंडितों ने कहा महाराज इस समय कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है। वासुदेव कहने लगे कोई तो होगा, हमें अरिष्टनेमी का विवाह जल्द से जल्द करना है। अगर इसका विवाह समय पर नहीं हुआ तो ये कभी भी मना कर सकता है, कभी भी दीक्षा ले लेगा। बड़ी मुश्किल से इसको विवाह के लिए तैयार किया है। अब पंडितों ने भी अपना योग पत्रा देखा कि जी ऐसे ऐसे ये दिन है, ठीक है, फिर जो होगा देखी जाएगी, आप इस दिन कर दो शादी। शादी की तैयारियां हो रही थी, बारात चलने को तैयार हो गई, लेकिन जब बारात जा रही थी शगुन अच्छे नहीं हो रहे थे। जब शकुन अच्छे नहीं हुए, बार बार श्री कृष्ण जी का ध्यान वहां पर जा रहा था, वो देख रहे थे क्या बात, आज तो शुभ शकुन होने चाहिए थे, अरिष्टनेमी का विवाह है, और अरिष्टनेमी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, करवा रहे हैं विवाह, कोई बात नहीं, इनकी भी मन की पूरी होने दो। और उधर वो अपशकुन घटित होते जा रहे थे, लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण ने किसी भी शकुन की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस उनका तो एक ही लक्ष्य था, किसी तरह से अरिष्टनेमी का विवाह हो जाए। बंधुओं बारात जा रही है, 56 करोड़ बाराती अरिष्टनेमी की उस बारात में नाचते गाते शोभा के साथ जय जयकार करते हुए ढोल बाजों के साथ उनकी बारात जा रही थी। लेकिन क्या बारात पहुंचती है, पहुंचती है तो क्या विवाह होता है? उस समय इस तीर्थंकर ने कौन सा इतिहास कायम किया और एक ऐसा इतिहास रच दिया जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। बंधुओं वो क्या इतिहास होगा, और जो भी घटना घटित हुई उसके पीछे क्या कारण था? क्या वास्तव में जो पंडितों ने कहा था सावन के महीने का कारण था, क्या कारण था? और सनातन धर्म में भी इसका क्या महत्व है? आपको कल बताऊंगी कि सावन के महीने में विवाह करने का नुकसान क्या होता है। सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरुनी जी महाराज के मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरुनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। अभी आप श्रवण कर रहे थे साध्वी सुविता जी के मंगल विचारों को। प्रभु महावीर या कोई भी तीर्थंकर हम सभी के दुखों को दूर करने के लिए कोई ना कोई मंगल उपदेश देते हैं।
हम प्रभु महावीर के जिस शासन में जीवन यापन कर रहे हैं, प्रभु महावीर हम सभी को सुखी बनाने के लिए एक मंगलकारी मंत्र दे रहे हैं। अगर तुम अपने घर परिवार और समाज में सुखपूर्वक जीना चाहते हो तो एक बात याद रखना, वाद विवादे विष घना। अगर आप केवल बातचीत कर रहे हो, केवल आपका संवाद चल रहा है, चाहे दो मित्र हो, पिता और पुत्र हो, माँ और बेटा हो, या दो दोस्त हो, भाई बहन हो या दो भाई हो, अगर केवल संवाद चल रहा है तो वहां संवाद के दौरान प्रेम और प्यार उत्पन्न होता है। लेकिन जब वो संवाद तर्क वितर्क का एक बहस का रूप ले लेता है तो वहां केवल मत भेद नहीं, वहां मन भेद होते देर नहीं लगती। फिर वहां रामायण की जगह महाभारत खड़ा होते देर नहीं लगेगी। पति और पत्नी कमरे में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे और चर्चा का विषय था, अपने पास बहुत सारा पैसा है, बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, इन्हें पौष्टिक भोजन देने के लिए घर का दूध हो जाएगा, घर का दही मक्खन होगा, सब कुछ घर की चीज होगी, और जब दूध बच जाएगा तो दूध बेचा भी जा सकता है। स्त्री अपना मंतव्य दे रही थी, पुरुष अपना मंतव्य दे रहा था, और ऐसे में पुरुष ने कहा, जब दूध ज्यादा होगा तो दूध को उबाल देकर साइड रख दिया करेंगे, उस पर मलाई आया करेगी। तो वही अहम टकराया, आदमी कहने लगा, जो मलाई आएगी ना वो मलाई मैं खाऊंगा, क्यों खाओगे, मैं पागल हूं, भैंस को नहलाऊंगी मैं, भैंस को तेल लगाऊंगी मैं, भैंस को चारा डालूंगी मैं, भैंस का दूध निकालूंगी मैं, दूध उबालूंगी मैं, और जब दूध पे मलाई आएगी तो कौन खाएगा। आप तो चुपचाप बैठे हो क्योंकि आपको पता है जो भी चीज है वो बांट चूट के खाई जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे आजकल दूध पे मलाई आती भी कहाँ होगी ना, कितना अच्छा दूध ले आओ, अमूल का ले आओ, वेरका का ले आओ, किसी चीज का दूध ले आओ, वो दूध ना तो दूध में टेस्ट और मलाई तो बिचारी आनी ही नहीं। दोनों में तर्क वितर्क होने लगा और तर्क वितर्क होते होते अब तो रसोई के बर्तन एक दूसरे पर वार हो रहे हैं। जिसके हाथ में जो बर्तन आ गया वो एक दूसरे पे उछाला जा रहा है। अभी तक पलंग की जो बात थी वो कमरे में थी, कमरे से अब वो कमरे से बाहर आ गई, घर से बाहर आते आते अब वो बात मोहल्ले में आ गई। खूब तू तू मैंने हो रही है, अब तो गाली गलौज पे थप्पड़ और मुक्कों के ऊपर बात आ गई, बर्तनों पर बात आ गई। ऐसे में मोहल्ले में एक समझदार व्यक्ति जा रहा था, उसने दरवाजा खोला और हाथ में लेके डंडा दोनों को लगाया। आप तीसरे कौन, कहने लगे मैं तीसरा तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी भैंस मेरे खेत में आ गई और उसने सारा खेत चर लिया, उस खेत के चरने का नुकसान अब तुम्हें देना पड़ेगा। दोनों जैसे मानो सोते से जागे,
ले भाई हम क्यों तेरे खेत का भरपाई देंगे, हम क्यों तेरे खेत का नुकसान भरेंगे, क्योंकि तुम्हारी भैंस ने मेरा खेत चर लिया। पति पत्नी का मुंह देखे, पत्नी पति का मुंह देखे, अरे भाई साहब आप जाओ अपना काम करो, अभी तो हमारे घर में भैंस आई कहाँ है। तो अभी भैंस नहीं आई तो आप मलाई के लिए, मक्खन के लिए, दूध और घी के लिए फिर क्यों लड़ रहे हो? याद आया, अभी तो हम केवल बातचीत कर रहे थे, अभी तो हम केवल मात्र कल्पनाओं के सागर में दौड़ रहे थे, भैंस आएगी, भैंस का दूध निकालेंगे, फिर उस दूध को बेचेंगे, मक्खन बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे, तरह तरह की कल्पना हो रही थी। जैसे ही टांगों पे दो दो डंडे पड़े, याद आया अभी तो भैंस ही नहीं आई, जब तक भैंस नहीं आई यूं ही मलाई के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और ऐसा ही लड़ाई झगड़ा हाथी के होदे पर बैठे हुए विद्यासेन और विद्यावती में हो गया, जबकि बात झगड़े जैसी कोई थी नहीं। विद्यासेन ने ये कहा, देखो जो ये सामने वाला घर है कितना दुखी है, इस घर में रहने वाला ये जो वृद्ध लकड़हारा है, इसके घर में साक्षात दरिद्रता ने पैर पसार रखे, बहुत दुखी है बेचारा। और विद्यावती ने जो हकीकत थी, जो सच्चाई थी, बस सच्चाई तो कही थी, उसने कहा इस घर की जो स्त्री है वो सुघड़ नहीं है, अगर इस घर की स्त्री सुघड़ होती तो ये लकड़हारा दुखी नहीं होता, इस घर में दरिद्रता पैर पसार के नहीं रहती, इस घर में तो लक्ष्मी हमेशा स्थिर हो जाती। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर घर में जो स्त्री होती है उसकी ड्यूटी होती है वो घर में व्यवस्था बना कर रखे, साफ सफाई करके रखे, अपने पति को समय पर कपड़े धो कर दे, उसे भोजन बना कर दे, इंसान को गरीबी नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर घर में रहने वाली ये गृह मंत्री अगर समझदार है, वैसे मंत्री घर का हो समाज का हो, मंत्री के ऊपर, हाँ जी राजीव भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रधान को तो केवल ऑर्डर देना होता है। हाँ जी भूपेश भाई, आपका मंत्री कौन है? सारे मंत्री हैं? अच्छा आ नहीं रहा, अपने मंत्री को अलर्ट कर दो, मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बात विद्यासेन को चुभ गई। तो मतलब तुम्हारा ये है जो घर चलाता है वो गृह मंत्री चलाती है? अगर इसकी स्त्री पढ़ी लिखी होती, समझदार होती तो इसका घर चल जाता, ये बात तो चलो मैं तुम्हारी मान लूं। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा राजपाट है वो कौन चला रहा है? वो तो आप चला रहे हो। नहीं नहीं, मतलब तेरा कहने का मतलब तो यही लगता है कि जो मैंने राज्य का विस्तार किया, मेरे राज्य कोष में इतनी लक्ष्मी है, मेरा राज दरबार जो व्यवस्थित है वो मैंने नहीं तेरे बलबूते पे हुआ, इसका मतलब। आखिर जब वो बेकार बात पे विद्यासेन विद्यावती के गले पड़ गया ना, तो विद्यावती कहने लगी, फिर ऐसा समझ लो जो स्त्री होती है वो पुरुष के लिए उसकी अर्धांगिनी होती है, पुरुष का दिमाग एक समय काम ना करे तो स्त्री हर उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सकती है।
विद्यासेन के आंखों में क्रोध के अंगारे जलने लगे। क्रोध की एक चिंगारी अहंकार के पेट्रोल में गिरी, नफरत का दावा नल सुलग पड़ा और दाम्पत्य जीवन की सारी खुशियों के ऊपर एक अंकुश लग गया। वो सारी खुशियां मानो आज तीतर बीतर होकर बिखर गए। विद्यावती, तुम इस हाथी से नीचे उतर जाओ। बस कहने की देर थी। मेरे भाइयों, एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। वो स्वाभिमान स्त्री के पास भी हो सकता है और पुरुष के पास भी हो सकता है, लेकिन जहां पुरुष अगर अभिमान पूर्वक स्त्री को चुनौती देता है, फिर स्त्री उसे स्वीकार करती है। विद्यावती हाथी से नीचे उतरी और साथ में उतरे विद्यासेन और कहने लगे, अगर तू अपने आप को सुघड़ स्त्री समझती है, पढ़ी लिखी समझती है, समझदार समझती है, तो मैं तेरे को चुनौती देता हूं। इस घर की स्त्री तो चाहे जैसी हो, तू इस लक्कड़ हारे को सुखी बना कर दिखा, इसका ये घर तू सुधार कर दिखा, तो मैं तुझे मान जाऊं, तू सुघड़ स्त्री है। अच्छा जी, ना ना ऐसे मत करो जी, सॉरी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे ऐसे छोड़ के ना जाओ। बस विद्यावती की बात भी तन गई और उधर से विद्यासेन की बात तन गई। विद्यासेन ने सामने घर में रहे हुए उस लक्कड़हारे को बुलाया। लक्कड़हारे से कहा, देखने से तुम बड़े दुखी प्रतीत होते हो और तुम्हारे दुखों को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी ये महारानी विद्यावती स्वीकार करती है। तुम्हारे दुखों को दूर करने का कर्तव्य आज इसका बन गया है, ये जिम्मेदारी ले रही है, ये तुम्हें सुखी बनाएगी। तुम्हारे घर के अंदर ये चारों तरफ फैली हुई दरिद्रता को ये संपन्नता में बदलेगी। लकड़हारा मुस्कुराने लगा, महाराज रहने दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। कहा तो राज महलों में रहने वाला जीवन और कहा मेरा ये लकड़हारे का टूटा फूटा जीवन शीरन घर, गर्मी की जगह गर्मी को दूर करने का साधन नहीं, सर्दी हो तो सर्दी को दूर करने का साधन नहीं, जरा बरसात आ जाए तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी टप 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 करती है। महाराज मजाक नहीं किया करते, मजाक भी करते हैं तो अपने बराबर के व्यक्ति से किया करते हैं, मैं तो गरीब आदमी, जो कह दिया सो कह दिया, ऑर्डर इज ऑर्डर। विद्यासेन इतने क्रोध में थे, लकड़हारे को धमकाया और कहा, ये विद्यावती आज से तुम्हारे यहां रहे। लकड़हारे ने फिर कहा, महाराज हम घर में चार प्राणी हैं, मैं, मेरी पत्नी और दो मेरे बच्चे, जब मैं इन चार प्राणियों का पेट नहीं भर पाता तो महारानी को इस झोपड़ी में रख के क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा। महाराज ये काम मेरे ऊपर ना सोचो, बात को बात रहने दो और आप लोग अपने राजमहलों में जाओ। विद्यावती चुपचाप खड़ी खड़ी सोच रही है, बात को मोड़ क्या दूं, क्या मैं महाराज से माफी मांगकर दोबारा हाथी पे चढ़ जाऊं। हाथी पे नहीं चढ़ना, अगर मैंने आज दोबारा हाथी पे चढ़कर राजमहलों का रास्ता ले लिया तो इनके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी
कि औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन औरत क्या कर सकती है ये एक बार इन्हें दिखाना होगा। जैसे ही विद्यावती आगे कदम लेने लगी, विद्यासेन ने आज अपनी औकात दिखा दी। कहने लगे, विद्यावती कहाँ चली? जो तूने ये राजसी वस्त्र पहन रखे हैं, ये राजसी वस्त्र उतारो। लकड़हारे से कहा, जो तेरी झोपड़ी में तेरी पत्नी के पुराने वस्त्र हैं, वो वस्त्र इसे ला कर दो। और महारानी जी, जो शरीर पर ये अमूल्य जेवर तुमने धारण कर रखे हैं, इन जेवरों को उतार कर तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। और नई जिंदगी शुरू करके लकड़हारे के घर को सब कुछ बदल कर दिखाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बंधुओं, मरता क्या ना करता, लकड़हारा अंदर गया और अंदर जाकर अपनी स्त्री के वस्त्र लेकर आया। शर्म तो बहुत महसूस हो रही है, फटे पुराने पैबंद लगे कपड़े आज महारानी विद्यावती धारण कर रही है। जिन अमूल्य अलंकारों को, आभूषणों को पहन के अभी जो विद्यावती एक रूप सी लग रही थी, एक अप्सरा लग रही थी, वो सारे जेवर तन पे से ऐसे उतार दिए जैसे मानो सर्प अपनी कांचली उतार कर सरपट दौड़ता चला जाता है कि कहीं ये कांचली मेरे पीछे ना आ जाए, मुझे दोबारा ना पकड़ ले। विद्यावती एक एक आभूषण को उतार कर दे रही है और उतार उतार कर राजा को दे दिए। राजा को देने के बाद महारानी विद्यावती अब महारानी नहीं रही, अब केवल वो विद्यावती है। लकड़हारे को कह रही है, भैया बहन बोझ नहीं होती, मैं आपके घर में आपकी बहन बनकर इस घर में रहूंगी, आप मुझे बोझ ना समझो, मैं आपके घर का हर कार्य करूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या विद्यावती आराम से इस झोपड़ी में रह पाएगी? या विद्यावती ने जेवर उतारते उतारते कुछ साथ में रख लिया? समय आएगा, आपके सामने चर्चाएं करेंगे कि ये बुद्धिमती विद्यावती इस समस्या का समाधान कैसे करती है। क्या विद्यासेन अपनी गलती को स्वीकार करेंगे? क्या इसे झोपड़ी में दोबारा मिलने के लिए आएंगे? समय आएगा, आपके सामने चर्चाएं करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम, चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धमो लोगुत्तमा, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारे शरण ने जगत में और ना शर कोई होगा जो भवे प्राणी करे आचरण उसे का अजर हमारे पद होगा उसका सदा मंगल होगा।